वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मनीष मुंडल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। देश के अंदर आवाम नहीं और मेरे भाइयों, तू भी उठकर, मैंने बाड़मेर की धरती से बोली थी, बाड़मेर में संख्या 5 लाख से 7 लाख हो गई। दिल्ली के अंदर मोदी के कान खड़े हो गए और पप्पू भी परेशान हो गया, आखिर 7 लाख जवान किसान बाड़मेर कैसे पहुंचे। और पाकिस्तान के अंदर बात चली, ये मिलिट्री का मूवमेंट तो नहीं चल रहा है, ये इतने तेजा जी के भक्त बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं, कहीं अटैक नहीं करते, इसलिए मिलिट्री को सावधान कर दिया, मिलिट्री सावधान हो जाओ, बाड़मेर से तेजा जी के भक्त हमला कर सकते हैं, मैंने पाकिस्तान को भी लगा दिया। तीसरी होकर बीकानेर की धरती से भरी और चौथी शेखावाटी के अंदर भरी और पांचवी होकर जब जयपुर के अंदर भरी थी, उससे पहले बजट सत्र का विधानसभा का और वसुंधरा विधानसभा के बजट सत्र के अंदर कह रही थी कि 50,000 का कर्जा माफ किया जाता है, स्टेट हाईवे को टोल फ्री किया जाता है, कुछ विधायक हमारे नौजवानों को बरगलाते हैं, इसलिए मैं 1 लाख नौकरियों की घोषणा करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, और फिर कहा धाती धाती जब आकार संहिता हुई उसे 3 घंटे पहले मुफ्त बिजली की घोषणा भी करी 5 और 4 की। और भाइयों आपने घोषणा पत्र देखा होगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर 35 रुपए बवन करी भत्ते की बात थी और बीजेपी के घोषणा पत्र के अंदर 5,000 की बात थी। ये घोषणा पत्र के अंदर बेरोजगारी भत्ता भी किसी ने याद दिलाया तो खून चल के विधायक ने 70 साल में दोनों पार्टियों को किसान के बेटों की बेरोजगारी और कर्ज माफी याद दिला दी। और मेरा घोषणा पत्र तो आजकल में आने वाला है, क्योंकि तुम मुझे सुने तो देते नहीं, रात को 3 बज जाती है और सुबह 10 बजे शुरू हो जाता हूँ, तो घोषणा पत्र को लेके और मेरी तारीख तो करवाना है।